हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के न्यू मॉडल के ऊपर जो कि स्पाई हुआ है। एंड दोस्तों, ये कार्तिक जय करके न्यू यूट्यूबर है, उनने ये जो वीडियो बनाई हुई है जिसके वजह से पूरे जो ऑनलाइन मीडियाज है ना, उनने वहाँ से डिटेलिंग लेके एंड सब कुछ शो किया हुआ है। एंड बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारे गलत गलत फैक्ट्स भी बताए हुए हैं, बट सारे फैक्ट्स को आज क्लियर करने वाले हैं। तो बहुत सारी डिटेलिंग इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज चैनल जो है मेरा, उसमें थोड़ा हैकिंग का इशू आया हुआ था। एंड दोस्तों, उसके वजह से जो चैनल है अभी रिस्टोर हो चुका है, इसलिए थोड़ी वीडियो जो है लेट है, बट बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में है। आपको बहुत सारे डिटेलिंग इस मॉडल पर देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे एफ आई आर जैसे बेल ड्राइव बोल रहे हैं इसको, मीटियर मॉडल बोल रहे हैं इसको, बॉबर मॉडल बोल रहे हैं, वो सारी डिटेलिंग को ना थोड़ा सा हम इवेलुएट करते हैं और आपको अच्छे से डिटेल देता हूँ कि ये मॉडल क्या है, कब तक अप्रॉक्स टेंटेटिव लॉन्च होने वाला है, इस मॉडल के फीचर्स क्या होने वाले हैं, वो सारी डिटेलिंग। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट और प्यार जो है ना ऐसे ही बनाए रखिए, और नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस का अपडेट जो है आपको टाइम टाइम मिल सके। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये मीटियर मॉडल नहीं है। मीटियर मॉडल जो है वो सिंगल सिलेंडर मॉडल है, और ये जो है ये ड्यूल सिलेंडर मॉडल है। इसमें दो सिलेंडर्स आने वाले हैं, जिसे आपको देख रहे होंगे दो एग्जॉस्ट हैं। तो ये है पहली चीज़। और सेकेंड जो चीज़ है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इस चीज़ को, वो है बेल ड्राइव है कि नहीं। दोस्तों, बेल ड्राइव बिल्कुल नहीं है, चेन ड्राइव है। बेल ड्राइव जो कई लोगों को ना इसका डिस्क ब्रेक देख के ऐसा लग रहा था कि ये बेल ड्राइव है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चेन ड्राइव होने वाली है। और इसमें जो है इंजन वो है 650 पैरेलल ट्विन इंजन, जो आपको इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में देखने पड़ता है, 650 ट्विन में देखने मिलता है, वो सेम इंजन इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। एसओएससी इंजन फॉर्मेट जो है यूज़ किया हुआ है। अगर उसका स्पेसिफिकेशन देखना है तो आप जो है 650 ट्विन का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। बट इसमें चेंज क्या किए गए हैं देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं ना, वो इसका पहले जो साइलेंसर दिखता था, जो एग्जॉस्ट दिखते थे, वो थोड़ा अपसेट थे, ऊपर की साइड में दिखते थे, बट ये जो है थोड़ा क्लासिक लुक देने के लिए, जो ऐसे हार्ली डेविडसन टाइप के लुक देने के लिए, थोड़ा सा इसको लोअर साइड में एग्जॉस्ट किए गए हैं, लोअर सिटिंग पोजीशन किया गया है। बट इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है ना, वो सस्पेंशन में बहुत अच्छा वर्क किया गया है। जब आप फ्रंट सस्पेंशन देंगे ना, वो है यूएसडी, इसको अपसाइड डाउन सस्पेंशन फोर्क्स बोले जाते हैं, जिससे कि आपका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। रेयर में भी जो है मल्टीपल एडजस्टमेंट जो है वो सस्पेंशन दिया हुआ है, जिससे कि आपका सस्पेंशन बहुत अच्छा होगा। और लोअर सीट भी है, पीछे वाला टायर जो है वो ब्रॉड भी दिया हुआ है। एंड दोस्तों, पावरफुल इंजन भी है। और जो तो दोस्तों, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है ऑलमोस्ट मीटियोर जैसा ही रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के ऊपर डिटेल दे रखा है मीटियोर का, वो भी आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, मुझे जो की हाईलाइटेड फीचर लग रहा है ना, वो इसका पीछे वाला रेयर लुक। दोस्तों, रेयर लुक बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाया हुआ है, 150 का जैसा टायर लग रहा है। एंड दोस्तों, इसका जो टेल लाइट है वो भी राउंड शेप में दिया हुआ है, सिटिंग पोजिशन लो किया हुआ है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। एंड जो रेयर डिस्क है उसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ है, ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ में मिल रहा है। टैंक साइज़ जो है वो भी थोड़ा इंक्रीज लग रही है। यूएसडी फ्रंट फ्रोक मिल रहे हैं, जिससे कि सस्पेंशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड जो फ्रंट का जो लुक है थोड़ा अपसाइड किया हुआ है, मतलब हाई डेविडसन को मार्केट में टक्कर देने के लिए प्रॉपर ये जो मॉडल है बनाया गया है। इस मॉडल को जो है KX650 बोला जा रहा है, KX फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, बट दोस्तों अभी तक इसका नाम फिक्स नहीं है, तो मैं इसको बॉबर तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज बॉबर जो होता है वो सिंगल सीट ही बनाया जाता है, एंड ये सिंगल सीट नहीं है, इसमें ड्यूल सीट आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, अब इसका नाम जो है फिक्स नहीं किया, अभी इस पर टेस्टिंग चल रही है। दोस्तों, अगर इसके लॉन्च डेट की बात की जाए तो दोस्तों, इसका जो लॉन्च रहने वाला है वो 2021 मतलब 2021 में रहने वाला है, और वो भी मिड तक। अभी इसके आने के चांसेस नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी ये ईयर एंड तक आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें टाइम लगने वाला है। अभी ये टेस्टिंग मॉडल है, अभी डिज़ाइन जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं, बट हाँ, फीचर्स जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसका प्राइसिंग की अगर अप्रॉक्स प्राइसिंग की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास में रहेगा ये मॉडल, बिकॉज इंटरसेप्टर का जो उस फीचर्स है उससे भी अपग्रेडेड फीचर मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको 650 ट्विन में भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, प्राइसिंग 3.5 तो मिनिमम रहने वाला ही है। आई होप दोस्तों आपको मैक्सिमम डिटेल मिल चुकी होगी, एंड आप लोग इससे इसके और डिटेलिंग के लिए एक्साइटेड भी होंगे, बट एक बार कंफर्म बहुत सारे डिटेल्स जो है ना वो आने दीजिए जरूर। मैं इसके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट ग्रुप, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।